की तरफ से आदाब अर्ज, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा वीलॉग है, जो ड्रोन मेरी सीरीज का शुरू किया हुआ है, आपको मैंने पहले दिन कहा था कि आई एम अ प्रोफेशनल पायलट ऑन ड्रोन्स और मेरा एक हॉबी भी है और मैं हर किस्म का ड्रोन मैंने रखा है और हर किस्म का ड्रोन मैं इस्तेमाल करता हूँ। और लेकिन जब मौसम डेफिनेटली बेहतर होता है, क्योंकि एक मजदूर इंसान हूँ, व्हील चेयर पे बैठा हूँ, लेकिन क्या है कि बड़े शौक से मैं अपने ये ड्रोन्स बाहर लेके जाता हूँ और उनको उड़ाता हूँ और मुख्तलिफ वीडियोस बनाता हूँ। पहले मैं दो जो ड्रोन्स है उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन एंड प्रिकॉशंस मैं ये दे चुका हूँ। पहला ड्रोन था आपका मेरा DJI FPV, दूसरा ड्रोन था DJI 4 सीरीज मैविक, फैंटम 4, फैंटम 4 प्रो एंड फैंटम 4 प्रो प्लस। आज जो मैं आपके पास जो तीसरी सीरीज है जो DJI की, वो है मैविक। मैविक प्रो जो सीरीज का जो सबसे पहला ड्रोन है, क्योंकि मैं बेसिकली प्रोफेशनल हूं तो मेरे पास प्रोफेशनल ड्रोन है, स्टैंडर्ड ड्रोन मेरे पास नहीं है। और लेकिन स्टैंडर्ड की शक्ल सूरत तो ऐसी ही होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं उसके अंदर कैमरे का फर्क होता है, उसके अंदर सेंसेस का फर्क होता है, उसके अंदर रेंज का फर्क होता है, उसके अंदर जो मोड्स है उनका फर्क होता है, इसके अंदर मोड्स ज्यादा होते हैं। तो उसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि ये ड्रोन्स जो हैं वो किस किस्म के हैं। तो पहला मैविक सीरीज का जो ड्रोन है वो मैं आपको शो करने लगा हूं, वो ये है ड्रोन, इसको कहते हैं मैविक प्रो। ये सीरीज जो है, ये जब बनी है ड्रोन, इसका बना है ये भी 4K कैमरा के साथ ये ड्रोन है और इसका रेंज भी जो रजिस्टर्ड है वो है 7 किलोमीटर। लेकिन मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है माउंटेन्स के अंदर जाके, ये तकरीबन 9.5 किलोमीटर मैंने खुद इसका टेस्ट किया हुआ रेंज। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट, ये उस वक्त मैंने किया था कि जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम थे, लेकिन अब इंटरनेशनली रूल्स एंड रेगुलेशंस ये आ गए हैं कि आप इसको विजुअल रेंज पे उड़ाएं, यानी विजुअल रेंज जहां तक आप इस ड्रोन को आपकी आंख देख रही है कि आपका ड्रोन वहां पे है, उस लिमिट तक उड़ाएं। और ये मैक्सिमम जो एवरेज इंसान की है वो 1 किलोमीटर तक आप इसको देख सकते हैं। इस ड्रोन की जो सबसे बड़ी खूबी है कि साइज में ये छोटा है, कैरी करने में ये बहुत आसान है। और इसके बाद एक और भी चीज आपको बता दूं कि जो जैसे फैंटम 4 प्रो में सेंसर्स थे ऑल अराउंड, इसके भी ऑलमोस्ट वही सिस्टम है कि इसके अंदर भी जो सेंसर्स हैं वो बहुत अच्छी है और ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम इसके अंदर भी है, इसी तरह रिटर्न होम का है, GPS के ऊपर उठता है। इसके भी 3 मोड्स हैं, एस मोड, एन मोड एंड एम मोड। जो एस मोड है वो स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग मोड उसको भी कह सकते हैं, नॉर्मल मोड वो है कि जो आप जो प्रोफेशनसी आ गई है, आप नॉर्मल पायलट हैं तो आप उसको एन पे चलाते हो। एम मोड वो है वो शौकीन लोगों के लिए जो स्पीडी ड्रोन मैनूवर्स बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ, लेकिन याद रखिएगा वो उसमें GPS नहीं आता, उसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर आपके इसको चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं कि आप इसको क्रैश कर सकते हो। तो बेहतर किया है कि आप इसको एन मोड या एस मोड पे, अगर आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आप एस मोड पे चलाएं, लेकिन एक अगर आप पायलट बन चुके हो तो फिर एन मोड पे चलाएं। अभी देखिए इसकी जो शक्ल सूरत वो ऐसे है, सबसे पहले ये याद रखिएगा ये जो कैमरा है इसके अंदर, इसके सामने जो ग्लास है इसको जरूर उतारिएगा। क्यों? हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपको इसकी हिफाजत की जरूरत है, तो अभी तक इसका कोई ऐसा ग्लास तैयार नहीं हुआ जो इसकी हिफाजत कर सके इन केस ऑफ क्रैश। लेकिन अगर आप शीशा नहीं उतारेंगे इसका, तो आपकी जो वीडियो है वो ब्लर में आएगी, उसकी सही सूरत नहीं आएगी। तो इसको बड़ा आसान है इसको उतारना। अब देखिए मैंने इसको शीशा उतार दिया और इसके अंदर मैंने ये जो ड्रोन है इसके अंदर मैंने फिल्टर भी लगाया हुआ है, इसके मुख्तलिफ फिल्टर मिलते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको इधर से पकड़ के उतारेंगे तो इसका फिल्टर तब्दील कर सकते हैं। वो उस जैसे दूसरे कैमरे में गिम्बाल था, इसी तरह इसके अंदर भी गिम्बाल है और इसके पीछे एक प्रोटेक्टिव लॉक है जो गिम्बाल को लॉक करता है, वो ये है, याद रखिएगा। इसको पकड़ के आराम से इसको खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। अब आपका कैमरा जो है वो फ्री हो गया, वो इजीली मूव कर सकता है। और अभी देखिए इसको मैं आपके सामने इसको
स्टार्ट भी करूंगा, दिखाऊंगा कि गिम्बल कैसे वर्क करता है। मैं गिम्बल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने इसको इस मैविक में ये है कि दो प्रेस करनी पड़ती है फिर जाके स्टार्ट होता है। इसी तरह जैसे मैंने आपको जो फैंटम सीरीज है उसके अंदर भी यही है, मैविक के अंदर भी यही है। और वो जो एपीवी है उसके अंदर वो नहीं है, एपीवी डायरेक्ट जस्ट वन टच एंड गो वो वाली खाता है। अब देखिए मैं इसको प्रेस करके स्टार्ट करूंगा और आप देखिए गिम्बल क्या करता है। स्टार्ट हुआ, अब देखिए कैमरा अपने आपको कॉन्फ़िगर करेगा, उसने आपको अपने सेट किया, पोजीशन बनाई और स्टार्ट हो गया। और इसी तरह जो कैमरे की लाइटें हैं वो भी ऑन हो गई है। आप देखिए इसकी लाइटें जो है पीछे नजर आ रहा है आपको, ये अभी इसका फ्लैश का मतलब ये है कि अभी ये रिमोट के साथ कनेक्ट नहीं है। जब ये रिमोट के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये लाइट ग्रीन हो जाती है। सिंस अभी इसकी कन्फिगर इसको ऑलमोस्ट मैंने पैक किया हुआ है ताकि मैं वो सेल करता हूँ कि ये रेडी है सेल करने के लिए। इस्तेमाल करना अभी आपको मैंने ये पोजीशन दिखा दी, तो अभी मैं इसको ऑफ कर दिया। अब देखिए इसके अंदर ये जो नजर आ रही है ये मैश के अंदर ये सुनार है, ये कैमरा सेंसर इसको बोलते हैं, ये कैमरा सेंसर है इसको बोलते हैं। यानी कि जब आप इसको टेक ऑफ करेंगे एक पोजीशन से तो ये ऑटोमेटिकली उसकी फोटो खींच लेता है। ये जो सुनार है ये हाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी हाइट पे रह गई हूं, कितनी हाइट पे जा रहा हूं, ये काम करता रहता है। ये इसी तरह आपके फ्रंट पे दो सेंसर्स कैमरा हैं। और एक बात याद रखिएगा जो बहुत कम लोग बताते हैं, ये जो कैमरा है ना इस कैमरे के अंदर इसका भी एक सेंसर है, ये याद रखिएगा। यानी कह लें कि 3 million सेंसर्स हैं कि ये अगर आपकी एक बहुत लाइट कम हो रही है तो वो सेंसर जो है वो उसी तरह एक लाइट को बैलेंस करेगा, रेस करेगा ताकि आपकी कम अज कम वीडियो है ना, कम अज कम वीडियो जो है वो जरूर इसके अंदर आ सके। याद रखिएगा कि इस ड्रोन के जो ब्लेड्स हैं वो काफी शार्प हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब ये ड्रोन ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो मैविक को पकड़ना, फैंटम को पकड़ना आसान है, क्योंकि फैंटम की आपको मैंने दिखाई थी कि उसकी लेग्स बड़ी है, उसको इजीली आप हैंडल कर सकते हो। इसमें पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए कि जूही आ रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको ये जो पोजिशन है ये रखें और इसको यहां से रखें, क्योंकि ये जो ब्लेड जब ऊपर से रोटर जो है ये जब चल रहे हो तो ये आपकी उंगली काट सकते हैं। और बहुत सारे एक्सीडेंट हुए जहां पे लोगों ने अपनी उंगलियां कटवाई हैं। कोशिश कीजिए कि इसको हाथ में पकड़ने की जरूरत क्या है कि जब आप ये लैंड कर सकते हैं, आपके पास एक किसी कोई भी बोर्ड ले लें या फ्लैट सरफेस ले लें तो वहां से उड़ाएं। घास से उड़ाएंगे ना तो फिर इसमें ब्लेड भी डैमेज होने का खतरा है। ये पिछले ब्लेड क्योंकि इसकी जो पोजिशन है देखेंगे इसकी लेग जो है बहुत स्मॉल है, आगे वाली लेग्स बड़ी है नीचे, और ये हमेशा ऐसे होता है। तो क्या होगा कि आपके ब्लेड जो है वो अगर बहुत ज्यादा लो है और घास हाई है तो इसको डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है। तो बेहतर होता है कि आप कोई भी कार्टून बड़े वाला ले लें, कोई लकड़ को ले लें, कोई फ्लैट जगह जहां से इसको आप टेक ऑफ करें, ये इसकी बहुत ज्यादा केयर है। अब इसकी प्रिकॉशंस वो ये है कि ऑटोमेटिकली इसके जब एन मोड या एस मोड पे चलाएंगे तो इसके जो सेंसर है वो काम करेंगे, तो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है अगर आप कोशिश करेंगे ना अपनी तरफ लाने की भी, तो याद रखिएगा कि ये 2 meter पे स्टॉप कर जाएगा। लेकिन इसकी बैक साइड पे कोई सेंसर नहीं है, जब याद रखिएगा जब आप रिवर्स करेंगे तो ये क्रैश हो सकता है, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो बेहतर क्या है कि आप जब भी आपके साथ अगर बच्चे भी हैं तो आप उनको एटलीस्ट अपने पास करीब रखें ताकि आप उनकी हिफाजत भी कर सकें। बच्चे को ये ड्रोन नहीं देना क्योंकि ये प्रोफेशनल ड्रोन है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, ये 74 miles per hour के साथ ये उड़ सकता है। अगर आप एम मोड पे चला रहे हो, एन एंड एस के ऊपर ये 64 miles के ऊपर ये उड़ता है। इसकी भी स्पीड काफी ज्यादा है, किलोमीटर में करेंगे तो बहुत ज्यादा है, और स्पेशली जब ये स्ट्राइक करेगा किसी के साथ, अल्लाह ना करे, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। फिर इसी तरह जो प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताई थी कि तमाम जो ड्रोन्स हैं उनके लिए इंटरनेशनल लॉ है कि 5 kilometer का रेडियस होता है
किसी भी कमर्शियल एयरपोर्ट के ऊपर, जो नॉर्मल जो एयरपोर्ट है जो नॉन वर्केबल है, इवन देन यू हैव टू टेक केयर, यू नेवर नो, कोई जहाज एमरजेंसी के अंदर वहां पे लैंडिंग स्ट्रिप पे लैंड कर रहा है, तो बेहतर होता है कि आप उन चीजों से को अवॉइड करें। अगर आपको कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपको ग्रीन लाइट मिले, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जीपीएस सिस्टम के तहत ड्रोन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत एक फैक्टर्स बनाया गया, एक मैप बनाया गया, जिसके अंदर जो ग्रीन एरिया है वहां पे तो आप इसको बड़े आराम से उड़ा सकते हो। येलो एरिया के अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और रेड एरिया है जहां पे बिल्कुल आप इस ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। अभी मैंने आपको इस ड्रोन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी। हाँ, आपको वीडियो को बता दूं कि ये 4K वीडियो बनाता है और इसके अलावा 12 टू 15 मेगापिक्सल जो है वो पिक्चर्स भी खींचता है। और इसके अंदर आप एसडी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। एसडी कार्ड के लिए आपको ये एक साइड पे एक ओपनिंग बनी हुई है, इसको आप देखेंगे इसके अंदर ऑलरेडी एसडी कार्ड एक मौजूद है, और इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपका एसडी कार्ड बाहर आ जाएगा और इसको दोबारा आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह एसडी फॉर्मेट भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि रिमोट कंट्रोल के जरिए कि इसको आपने फॉर्मेट करना है तो उसके अलावा। अब एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो है इसका वाईफाई का नंबर जो नजर आ रहा है आपको एक बटन। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ड्रोन है आप वाईफाई मोड पे चलाए तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं, और इसके थ्रू याद रखिएगा कि और भी जो विजुअल कैम्प जो कहते हैं मोबाइल है आप वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये कहाँ पे उड़ रहा है। जब आपने ड्रोन को अपडेट करना है, याद रखिएगा कि अपडेशन की भी जरूरत है, और इसको केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। ये इसकी बताव है USB-C मोड के लिए, यहां से आप कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं। बकाया अगर कोई भी किसी का सवाल हो, कोई भी किसी किस्म की क्यूरी, कोई भी डाउट होता है ना, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो। आप मेरे जो वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और मैं तमाम लोगों के लिए जो पूछना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो मैं इसकी लर्निंग की क्लास भी शुरू करूंगा। और उसके अलावा जो अभी ये किस्म की लर्निंग ही है ना, लेकिन आपको कुछ और फैक्टर्स जो चाहिए, स्पेशली जो क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ डाउट्स हैं, वो आप मुझे डायरेक्टली लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और मेरी रिक्वेस्ट के साथ कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये है इस जनाब, अभी ड्रोन को बता दिया, ये है इसका कैरिंग बैग। आप इसको बड़े आराम से इसको कैरी कर सकते हो। आप छोटी सी पैकिंग है, इसको ड्रोन अभी फोल्ड हो गया, देखें उसकी लेग्स मैंने क्लोज की तो बिल्कुल छोटा सा हो गया। ये भी मेरे हाथ के अंदर है, आप इमेजिन कर लें क्या इसकी चीज होगी। इसको आप आराम से पैक करें और जहां चाहें आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी केयर वही है जो मैंने आपको बताई थी कि जो इसकी जो चीजें शीशे वीशे जो हमने रिमूव की प्रिकॉशंस के लिए, वो हमने इसको दोबारा लगाने हैं। ये अपने प्लेस पे लगाइए और ये उसके बाद इसको आपने पैक करना है और कैरी करना है। इसके अलावा मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें और भी बैग्स आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और इवन इसके मास्क भी आते हैं जो अगर आप चाहें तो इसके जो चेंज कर सकते हैं कि आप इसका डिजाइन इसके कलर वो ये है। ये देखिए, ये भी मेरे पास एक ड्रोन है और इसके इसके ऊपर जो इसकी स्किन है वो आर्टिफिशियल, जैसे जंगा लूज लगा होता है, ये उसकी स्किन है। ये इसका रिमोट है और रिमोट साइज में बहुत छोटा है, लेकिन ये देखिए रिमोट साइज में बहुत छोटा है लेकिन रेंज इसकी बहुत ज्यादा है। ये ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक सिग्नल देता है और रिसीव करता है। इसके ऊपर आपका जब ऑन करेंगे ये LCD इसकी स्क्रीन में आपको पूरे का पूरा डाटा मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप कोई भी, यानी कि होता है ना कि इंसान को ये होता है कि मैं इसको कहीं किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करूँगा जो मिलिटरली हो, तो उसके लिए वो अलग ड्रोन्स हैं, वो ये ड्रोन्स नहीं हैं। उनको मिलिट्रीली मत इस्तेमाल कीजिएगा जो कि आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि इसको ये जैमिंग में बहुत आसान है, अगर कोई भी चाहे इसको जैम भी कर सकता है। बेसिकली ये फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोफेशनल लोग जो फोटोग्राफर हैं उनके लिए है। ये है कि जंगलों के अंदर एनिमल के पीछे पहाड़ों में जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीलॉग इसी उम्मीद पे ख़त्म करता हूँ कि आप मेरी इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो डू आस्क मी।
अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।